तो भैया ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है अपना नया स्मार्टफोन ओप्पो K3 जो कि कम्पीट करने वाला है अपने ही सब ब्रांड रियलमी X से। तो क्या है भाई, बिल्कुल आप बोलते तो ये ओप्पो और रियलमी का मांझरा, और बेसिकली जो अगर आपको स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं उनमें क्या अंतर है और कौन सा फ़ोन दोनों में से ज़्यादा प्राइसेबल और ज़्यादा मतलब प्रीफरेबल है मेरी तरफ से, और कौन सा फ़ोन आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला है, आपको ये सभी चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेगा। प्लस टू प्लस आपको एक की स्पेसिफिकेशन भी मिलेगी, मतलब कि आपका फ़ोन में कौन सा स्पेसिफिकेशन मिलने वाला है, क्या चीज़ आपको लिटरली आपके फ़ोन में देखने को मिलने वाला है, ये सब आपको इस वीडियो में ही मिलने वाला है। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब सबसे पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं ओप्पो और रियलमी का जो बिल्कुल आप बोल सकते हो जो पूरा खेल है, पूरा जो जाल बिछा रखा है ओप्पो वालों ने, ये पूरा खेल को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करें सब ब्रांड और ओप्पो के बारे में, मतलब कि रियलमी और ओप्पो के बारे में। तो जो रियलमी है वो आपका जो टारगेटेड करता है मिड रेंज फोन्स को आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि आपका जितना भी अमेजन फ्लिपकार्ट ये सब पे अपनी सर्विस वो प्रोवाइड करवाता है, जबकि जो ओप्पो है ये ऑनलाइन को सेगमेंट को तो पकड़ता ही है, प्लस ये आपका ऑफलाइन मार्केट में भी मिलता है, और ये मिड रेंज नहीं, ये मिड रेंज और फ्लैगशिप दोनों ही फोन्स को कवर करता है। तो यहाँ पे ओप्पो के पास तीन मतलब कि इसके रेंज है, सब ब्रांड्स हैं, एक ओप्पो खुद हो गया, एक हो गया रियलमी, और एक हो गया आपका वन प्लस। जो वन प्लस है वो मतलब टारगेट करता है बिल्कुल हाई एंड्स वाले फ़ोन को, जो ओप्पो है वो टारगेट करता है दोनों ही फ़ोन को, मतलब कि हाई एंड भी और मिड रेंज भी, और जो रियलमी है वो टारगेट करता है सिर्फ मिड रेंज को। तो बेसिकली ये इस तरह से इसलिए बनाया गया है ताकि घूम फिर करके आदमी जितने भी हैं, जितने भी उनके जो कस्टमर हैं, वो यही तीनों कंपनीज में ही सर्वाइव करें और यही तीनों कंपनीज में ही ज़्यादा जाना प्रेफर करें। तो यहाँ पे जो ओप्पो है, ओप्पो एक ऑफलाइन फ़ोन है, मतलब ऑफलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला फ़ोन है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस हैं वो अगर सेम देखने को भी मिलती है आपके रियलमी वाले से, तो आपका जो प्राइस होगा उस फ़ोन का वो थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट की भी कॉस्ट ऐड की जाती है। तो बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन की तरफ, मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ समझ चुके होंगे। तो डिस्प्ले आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले, और यहाँ पे आपको एमोलेड पैनल मिल रहा है, और साथ साथ में आपको दोनों में ही पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का f2.4 के साथ, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 710, जो कि दोनों में ही सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्पीड देखने को मिलने वाली है एड्रेनो 616 के साथ। अब बढ़ते हैं अपने कैमराज की तरफ। तो कैमरा में ही जो भी आपका बोलते हो कि डिफरेंस है वो कैमरा में ही है। तो कैमरा जो रियलमी एक्स का वो थोड़ा सा अच्छा है और ओप्पो का जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। किस तरह से, तो मैं बताता हूँ। रियलमी में आपको मिलता है 48+5 मेगापिक्सल कैमरा f2.4 अपर्चर के साथ, जबकि आपका जो रियल ओप्पो का K3 है यहाँ पे आपको मिलता है 16+2 मेगापिक्सल कैमरा 1.7 f-stop के साथ। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका सेम सेंसर है, सेम कैमरा नहीं है, तो मतलब कि आपका जो कैमरा जिसमें आपको मेगापिक्सल काउंट ज़्यादा मिल रहा है वो थोड़ा बहुत अच्छा आपको डिटेल्स कैप्चर करके देगा, पर जो नाइट फोटोग्राफी होगी वो आपको ओप्पो में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल जो है वो ज़्यादा बड़े हैं और जो f-stop है वो भी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कैमरा है वो बेसिकली दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा सेम जैसा फोटो खींचने वाला, ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। और हाँ, एक चेंजेस ये है कि आपको ओप्पो वाले फ़ोन में स्लोमो नहीं मिल रहा है, जबकि रियलमी एक्स में आपको स्लो वाला ऑप्शन भी मिल रहा है, मतलब कि आप स्लो में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। प्रीमियम वाला लेवल तो नहीं होगा, हाँ, पर काम चलाओ लेवल में बिल्कुल आराम से आप बिल्कुल आराम से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी में आपको मिलता है 3765 mAh की बैटरी, जो कि दोनों में ही बिल्कुल सेम है, वूक चार्जिंग 3.0 के साथ, यानी कि 20 वाट वाली चार्जिंग, तो जो कि दोनों में ही सेम है। तो बेसिकली सेम चार्जिंग स्पीड, सेम परफॉर्मेंस, सेम डिस्प्ले, सेम आउटपुट, सेम कलर, और डिज़ाइन जो है वो बेसिकली हल्का सा अंतर है, जिससे कि जो ऑडियंस है वो कन्फ्यूज ना हो जाए कौन सा फ़ोन हमें लेना है। तो बेसिकली अगर मेरे तरफ से प्रेफर किया जाए तो मैं जाऊँगा रियलमी की तरफ, क्योंकि मैं ऐसे भी रियलमी का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। और बेसिकली अब बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपको जो रियलमी एक्स की वो होने वाली है 15,000 रुपये, और अगर ये ओप्पो के बारे में बात किया जाए तो ओप्पो जो 19 जुलाई को लॉन्च हो रहा है ये हो सकता है बेसिकली 18,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे 3,000 रुपये बिल्कुल बर्बाद करने लायक नहीं है। और तो और आपको जो कैमरा है वो बेसिकली ओप्पो में थोड़ा कम भी मिल रहा है, और तो और जो रियलमी है उसमें कैमरा भी अच्छा मिल रहा है, तो मैं रियलमी की तरफ ही जाना पसंद करूंगा। ऐसे आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा और आप कौन से फ़ोन पे जाना पसंद करोगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं आपको मिलता हूं अगले हफ्ते वेडनेसडे को, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपने अगले वाले वीडियो में।